केबीसी 13 को पहली करोड़पति मिल गई है। आगरा की नेत्रहीन महिला हिमानी बुंदेला ने एक के बाद एक धड़ाधड़ सवालों के सही जवाब देते हुए 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। हिमानी गणित की टीचर है और बचपन से ही इनका केबीसी जीतने का सपना था और आखिरकार अब वो पूरा हो गया है। टीवी के पॉपुलर गेम शो केबीसी के 13वें सीजन की शुरुआत कुछ दिन पहले 23 अगस्त को ही हुई है और प्रीमियर के कुछ दिन बाद ही शो को इस सीजन की पहली करोड़पति भी मिल गई। हिमानी बुंदेला से केबीसी में जो सवाल पूछे गए वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के दौरान हिमानी से 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल, माप की इकाइयों में से किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, जिसका सही जवाब है मिलीमीटर। दूसरा सवाल, हाल ही में किस सेलिब्रिटी कपल की शादी हुई है, जवाब है वरुण धवन नताशा दलाल। तीसरा सवाल है, किस देश के नेशनल फ्लैग में सबसे कम रंग है, जवाब है बांग्लादेश। इनके अलावा भी जो बाकी सवाल हिमानी से पूछे गए जिनका सही जवाब देकर वो 1 करोड़ रुपए जीती है वो इस तरह से हैं। सवाल, दूध से पनीर निकालने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, सही जवाब है नींबू का रस। सवाल, शतरंज का खेल कितने लोगों के बीच खेला जा सकता है, सही जवाब है 2। सवाल, किस पेड़ में वुडन ट्रंक नहीं होता है, इसका सही जवाब है केले का पेड़। सवाल, भगवान ब्रह्मा के दूसरे नाम चतुरानन का क्या अर्थ है, इसका सही जवाब है 4 मुख। सवाल, पवन की ऑनलाइन क्लास में एक अवधि कितने समय तक चलेगी, अगर वो सुबह 9 बजे से 11:15 बजे के बीच समान अवधि की 3 पीरियड में हिस्सा लेता है, जवाब है 45 मिनट। सवाल, COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस बिजनेस फैमिली की है, जवाब है पूना वाला फैमिली। सवाल, प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे इनमें से कौन से हैं, सही जवाब है गीजा के पिरामिड। सवाल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली सभी के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा सामान्य पोर्टफोलियो है, सही जवाब है डिफेंस। सवाल, साल 2021 में भवानी देवी किस ओलंपिक स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी, इसका जवाब है बाड़ लगाना। सवाल, घनश्याम व्यास को स्यूडोनेम नाम से किसने लिखा, जवाब है KM मुंशी। सवाल, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जिसका सही जवाब है विंसन मैसिफ। सवाल, मेहर घराने का कौन सा संगीतकार सितार वादक निखिल बैनर्जी और बांसुरी वादकों हरि प्रसाद चौरसिया और नित्यानंद हल्दीपुर के गुरु रहे हैं, इसका सही जवाब है अन्नपूर्णा देवी। सवाल, 1975 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की महासचिव के रूप में चुनी गई पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी, इसका जवाब है असीमा चैटर्जी। सवाल, 1952 में हुए भारत के पहले आम चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने रायबरेली लोकसभा सीट जीती थी, इसका सही जवाब है फिरोज गांधी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा, आप इनमें से कितने सवालों के जवाब दे सकते थे, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।